आप ईदी लेती हैं या ईदी देती हैं? मैं दोनों काम करती हूँ क्योंकि मैं खानदान की इकलौती बेटी हूँ, तो मुझे बड़ों से ईदी मिलती है और जो बच्चे मेरे कजन्स हैं छोटे, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप ये बड़ी हो गई हैं तो ईदी देंगी, तो जो मुझे ईदी मिलती है मैं वही बांट देती हूँ तो फिर मेरे पास कुछ नहीं रहता वही हिसाब हो गया। तो रबिया मुझे बताइए क्या आप फूड व्लॉगिंग करती हैं? तो कोई फूडी बंदा, खानों का दीवाना, जो खाने के नाम से उसके मुंह में पानी आ जाता हो और वो भी आपकी तरह फ्री के मजे मजे के खाने खाना चाहता हो, पैसे दे के नहीं भाई, फ्री वाले खाने खाना चाहता हो, जैसे आपकी मौजे लगी हुई हैं, वो भी कोई इस तरीके से अपनी मौजे लगाना चाहता हो, तो आप उसको किस तरीके से कहेंगी कि वो किस तरीके से इसको स्टार्ट करे और किसको कैसे इसको आगे लेकर चले? सबसे पहले तो मुफ्त खाना सब बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो लोग आपको बड़ा हेट देंगे फॉर नो रीजन। अच्छा, पैसे दे के खाती हैं? मैं मुझे 70% में पैसे देके खाती हूँ, आई स्वेयर ऑन दैट, क्योंकि हमारे पास ना एक ओपिनियन हो जाता है कि हम अपनी मर्जी से रिव्यू दे सकते हैं। अगर आप फ्री में खाते हो आप बाउंड हो जाते हो कि तारीफ करनी है, तो वी लव टू पे फॉर आवर फूड। लेकिन अगर किसी ने मुफ्ते की तरफ जानना है तो उसके लिए एक छोटा सा रास्ता है, वो ये है कि स्ट्रीट फूड से स्टार्ट करें, अपनी ग्रोथ देखें स्ट्रीट फूड से होगी, कोई भी एजेंसीज वगैरह ज्वाइन ना करें, जहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी है उतना आप करें, और वो कंसिस्टेंसी लाइक रोज पोस्टिंग होगी ना, तो आपका अपने आप नाम एल्गोरिथम में आ जाएगा, फॉर यू पे आप आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। और अगर नहीं होती, जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, वो बीच में 3-4 दिन का गैप ले लेते हैं, ये वो चीज़ है जो आपने डेली करनी है। मतलब अगर आमना और मैं यहाँ पर बैठे ना, आज हमने कोई रिव्यू नहीं किया, तो हमारे पास बैकअप पे 15-20 वीडियोज पड़ी हुई हैं कि अगर हम 15-20 दिन काम नहीं करते तो हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हों ताकि हम ब्रेक ले सकें। तो इतनी वीडियोस पहले आप जमा करें और फिर पोस्टिंग स्टार्ट करें। और मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कह रहे हैं ना कि वो खाना, अगर हमें कोई रेस्टोरेंट वाला खाना सर्व करता है, उसको शूट करते करते ही वो रबड़ बन जाता, सारा ठंडा हो जाता है, हमें दोबारा जाके खाना पड़ता कहीं से। यानी कि ये तो बड़ा इंकशाफ किया कि आप भी पैसे दे के खाती है, नहीं तो मैं और मेरे फॉलोअर्स तो ये समझ लेते सारे सबको यही लगता है खाना खाती है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर कभी कभी जब आप जाती होंगी शुरू के अंदर और आपने किसी से फ्री में खाना मांगा और उसने ना दिया, ऐसा कभी हुआ? अल्लाह माफ करे, मैंने कभी जिंदगी में फ्री में खाना नहीं मांगा, आई कैन स्वेयर ऑन एवरीवन, क्योंकि एक इंसान की डिग्निटी होती है, मुझे नहीं समझ आती जो लोग मांग लेते हैं खाना फ्री में उनकी डिग्निटी कहाँ होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा ब्रॉट अप ऐसा हुआ है कि मेरे बैंक अकाउंट भरा हुआ है, मैं एनी टाइम आई कैन गो एनी वेयर, आई कैन फ्लाई एनी वेयर एंड आई कैन ईट एनी थिंग आई वॉन्ट, अल्लाह का शुक्र है बैकग्राउंड मेरा ऐसा, मुझे कभी मांगना नहीं पड़ा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे अकाउंट्स भरे हुए होते हैं, मुझे किसी से कहना नहीं पड़ता कि फ्री दे दो, बल्कि फ्री होता तो मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ कि यार पैसे दे के होना चाहिए ताकि मेरे पास उनको ओपिनियन देने का राइट हो, जो मर्जी दे दूँ। असल में ऐसा होता है कि जब कोई इस फील्ड के अंदर आता है, वो फील्ड शुरू करता है ना, तो उसका एक मसला ये भी होता है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा होता जी। तो वो 1-2 महीना काम करता है, 3 महीने पैसे के निकालता है, फिर वो बेचारा जो है ना डिसहार्ट होकर बैठ जाता है कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, मुझे कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको फुल टाइम अपना, मैं आपको ये सही बात बताऊँ, कोई भी जॉब होती है ना वो आप एक सर्टन टाइम में करते हो, दिन में 8 घंटे कर लिए, 6 घंटे कर लिए, चलो मैक्सिमम 12 घंटे भी कोई करता ही होगा जॉब, लेकिन कंटेंट क्रिएशन 24 घंटे की जॉब है। आपको हर वक्त, आप यकीन मारे मेरी जितनी नजर वीक थी ना उससे ज्यादा वीक हो गई है फोन यूज करके। हमें छुट्टियां भी नहीं होती, संडे की कोई छुट्टी नहीं होती। और जो वो वीकेंड्स होते हैं, जो हॉलीडेज होती है ना, वो हमारा ज्यादा वर्किंग टाइम का होता है, जैसे वो आपका रिलेटेड उसी से। अच्छा, जो मैं आपको ये 4 साल गिनवा रही हूँ ना, बेसिकली इसमें से 3 साल मेरी यूनिवर्सिटी के थे और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं प्रॉपर कंटेंट बना सकूं। तो मेरा ये मशवरा है कि एक दफा रिस्क ले लें इस चीज को और एक पूरा महीना लगा के देखें, वो नहीं चलेगा ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं सही कह रही हूँ। कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं वैसे आमना से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी ईदी की बात की, तो आपकी फुफ्फू आजकल जो बड़ी ट्रेंडिंग में जाती है लोगों की फुफ्फू सोशल मीडिया पे, फुफ्फू कितनी की ईदी देती होगी आपको? आप ये बात ना ही करें लेकिन हाँ ऐसे है, मेरी फुफ्फू बहुत दूर रहती हैं तो इतना उनसे मिलना नहीं होता ईद वगैरह पे, तो बड़ा इजी नहीं होगा, इजी पैसा आ गया, जैस कैश आ गया उतनी बहुत कोई उम्मीद नहीं होती ये सब हमें नहीं आता लगता है हम लोगों ने यहाँ पर फिर वो घरेलू शो स्टार्ट कर दिया, हमने घर की बुराइयां शुरू कर दी हैं और घर की आंटियां हमें देखकर कहेंगी कि इन्होंने तो यहाँ पर भी नहीं हमें छोड़ा, हमें इस टॉपिक को चेंज कर दिया। मुझे लगता है ये बात सुन के मेरी फुफ्फो की तरफ से ईदी आती होगी, मेरा फोन की तरह। अमना, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ईद का कोई ऐसा यादगार वाकया, आप माशाल्लाह काफी बड़ी होगी, आपने काफी सारी ईदें गुजारी होंगी, कोई ऐसी ईद जो आपकी यादगार तरीन ईद हो?
आपने ये क्या कह दिया, बड़ी हो गई काफी सारी, वो मुझे लगता है आपने थोड़ा गुस्से में आ गई, लेकिन आमना कह रही है मैं तो भी छोटी हूँ, मैं तो भी खाती हूँ। नहीं, मैं अभी सोच रही हूँ कि कोई ऐसा वाक्य, मेरे साथ ना बहुत ज्यादा लाइफ ट्रेजेडीज हुई हुई है, लेकिन मुझे उसमें चुनने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा, होता कुछ ऐसे ही अक्सर के कुछ ज्यादा ही खा लेने पे ना, एक दफा मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और वो फिर मैंने सारा टाइम अपना हॉस्पिटल में गुजारा था वो सारी ईद, तो वो नर्सिस को भी बड़ा मुझ पे गुस्सा आ रहा था कि भई तू उठ जा, हम भी कुछ करें अपना काम का। तो ये यादगार वाकया है मेरा। अच्छा, और आपका सबसे कोई यादगार वाकया? यादगार वाकया असल में जब हम गुजरांवाला जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये होता है कि ईद ददयाल से ननिहाल जाओ और वहाँ पे ईद स्पेंड करो। ददयाल का भी बहुत अच्छा मज़ा होता है, लेकिन वो होता है क्या, जरा आप ट्रैवल करके जा रहे हो गुजरांवाला, तो वहाँ पे कज़न के साथ नाइट नाइट गुजारना, मेरी जितनी भी हैं मामू की बेटियाँ, और फिर गोलगप्पे खाना वहाँ के गुजरांवाला के बड़े पसंद है, और सुबह उठ के नाश्ता करना। आप सिर्फ यादगार ईद कौन सी है, यादगार ईद का भी वाकया हो? स्पेसिफिक वाक्या नहीं है, लेकिन मुझे ये टाइम पीरियड बड़ा पसंद होता है कि जब हम कजन्स के साथ, और स्पेशली चांद रात पे जब हम मेहंदी लगाते हैं। हाँ, एक दो दफा ऐसे हुआ है कि मेहंदी लगा के सोते हैं तो वो मुंह पे ही लग जाता है, और वो सुबह उठ के फिर आपको मुंह से साफ करना पड़ता है, तो ये बड़ा होता है। ये सबसे यादगार वाक्या हो सकता है। आप सारी रात जो है ब्यूटी पार्लर में लगा के आए, सुबह पता चले जी चेहरे के ऊपर कोई और ही नया नक्श बन गया।